हेलो इट्स मी अनुराग माथुर शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बड़े ही अनोखे तरीके से। सो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में और आज का टॉपिक है आर टॉक्सिक फैंस थ्रेटनिंग फॉर यूट्यूब कम्युनिटी नंबर वन टॉपिक एंड नंबर टू टॉपिक हु विल विन द बिग बॉस। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक के जो पॉइंट्स है वो हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट में आते हैं टॉक्सिक फैंस। तो मैं दोनों ही फैन बेस के कुछ चुनिंदे टॉक्सिक फैंस से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं कीजिए, पर अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरे क्रिएटर को या फिर दूसरे क्रिएटर के फैमिली को गाली नहीं दे सकते, इतना ज्यादा हेट नहीं दे सकते, ये कोई अच्छा बात नहीं है। और दिस इज नॉट ए जेंटलमैन बिहेवियर, दिस इज ए चाइल्डिश बिहेवियर एंड वी आर नॉट मेंट फॉर दैट, यू गाइज आर नॉट मेंट फॉर दैट, ओके। और ये बात जब एलबीज भाई भूरा भाई बाहर आके देखेंगे तो नाखुश होंगे, वो कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे ये देख के। तो ये बात आप लोग समझिए प्लीज, मैं एक यूट्यूबर होने के नाते आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये बात समझिए। जो भी टॉक्सिक फैंस हैं वो प्लीज समझिए कि गाली देने से हेट देने से कुछ भी नहीं होता है। आप अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट कीजिए, फिर वो लोग तो जीतेंगे ही जीतेंगे। आप लोगों के सपोर्ट जो है वो टॉप नॉच होगा तो तब तो जीतेंगे ही। तो इसी में आते हैं मिस कम्युनिकेशन बिटवीन यूट्यूबर्स। तो दूसरे पॉइंट में है कि एक यूट्यूबर कुछ इंटेंशन से कुछ बोल रहा है, उसको अलग वे में ले जाकर कुछ स्प्रेडिंग हेट हो रहा है, तो उस हेट से इन्फ्लुएंस होकर दूसरा यूट्यूबर कुछ अलग बोल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हेट ज्यादा ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात तो है, तो इस बात को कहीं ना कहीं आप लोग भी समझिए कि जो बात एक इंटेंशन से बोला जा रहा है उसको क्लैरिफाई कीजिए, फिर जजमेंटल वे में जाइए कि क्या सीन है, फिर अपना जो पक्षपात है वो बताइए, क्योंकि तभी इस बात का हल निकलेगा और मिसकंसेप्शन दूर होगा। तो ये बात तो है, ये बात आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अलबीस भाई और फुगरा भाई जब बाहर आके देखेंगे तब ये भी देख के वो लोग खुश नहीं होंगे। तीसरे में क्या है, क्रिएटर इज इन बिग बॉस हाउस। तो तीसरे पॉइंट में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि उन दोनों का इक्वेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे वे में वो लोग बिहेव कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आ रहा है, जो भी बिग बॉस लड़ाई करने की कोशिश करा रहा है उन दोनों में, तो उन दोनों ही स्मार्टली बिहेवियर अपना है जो दिखा रहे हैं कि हम लोग कहीं भी कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। कहीं ना कहीं दोनों का ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है, जो टकरा रहे हैं फिर भी वो लोग अच्छे से रह रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग एक स्प्रेडिंग हेट फैला रहे हैं एक दूसरे के फैन बेस के ऊपर, तो ये चीज वो लोग बाहर आके जब देखेंगे तो बहुत ही नाखुश होंगे। मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो लोग बहुत ही नाखुश होंगे और वो लोग बाहर आके जब ये सब देखेंगे तो भाईचारा आगे खतरे में हो। तो आप लोगों का दोस्तों का ये बात मैं यही बता देना चाहता हूँ। माय मैसेज टू एलबीस आर्मी एंड पांडा गैंग, आप लोग अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बात है। आप लोग सपोर्ट कीजिए ही, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाइए और जो भी हेट फैला रहे हैं या फिर गाली दे रहे हैं उनसे दूर रहिए, उनको भाव मत दीजिए, उनको नकार दीजिए, उनके लिए कुछ भी मत बोलिए, उनको साइड में कर दीजिए। इससे भाईचारा अच्छे से रहेगा और जो YouTube कम्युनिटी है वो भी अच्छे से रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है YouTube वर्सेस बिग बॉस या फिर YouTube वर्सेस TikTok जो भी हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, यूट्यूबर से झगड़ा हो गया। तो YouTube कम्युनिटी अगर अच्छे से रहे तो YouTube सलामत रहे, YouTube कम्युनिटी, इंडियन YouTube कम्युनिटी, तो यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब बोला। मेरा और कुछ भी इससे आता जाता नहीं है, ओके। सो अभी आते हैं हु विल विन द बिग बॉस। सो इम्पैक्टफुल जिसका भी जर्नी है आप लोगों को लगता है वही जीतेगा, और डिजर्विंग विनर सभी हैं। तो ये बात अगर है तो आप लोग भी समझ रहे हो और आप लोग उसी तरीके से वोट कर रहे हो कि किसका आप लोगों का जर्नी, जितना भी जर्नी है, जर्नी बड़ा हो छोटा हो वो बात नहीं है, जर्नी इम्पैक्टफुल होना चाहिए, और जर्नी जिसका भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है वो जीतेगा और वही होगा। तो वो तो आप लोग देख ही रहे हो। तो मेरा जो है अभी लग रहा है कि 50-50 होगा, क्योंकि बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों क्रिएटर्स के फैनबेस तो अलग हैं और उन दोनों के सपोर्टर्स में बहुत ही यूट्यूबर आ रहे हैं सामने, तो ये तो बहुत ही टक्कर का फाइट होगा या फिर टक्कर का होगा वोटिंग। तो इसमें बहुत ही
अलग सीन होने वाला है, तो एक तो अलग ही अभी माहौल चल रहा है, तो अभी दोनों का ही चांस है, कौन जीतेगा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि बिग बॉस का तो कुछ अलग ही मसला है कि वो लोग क्या करेंगे कुछ पता नहीं, तो ये बात तो है। मतलब आप लोग तो समझ ही रहे हो कि कौन कैसा कर रहा है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो 15-16 घंटा, मैं भी अपना सब कुछ छोड़ के देख रहा था बिग बॉस, क्योंकि दोनों यूट्यूबर मेरे फेवरेट हैं और मैं किसी को हेट नहीं करता और मैं न्यूट्रल ऑडियंस देख रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आप लोगों से यही मेरा प्रार्थना है या फिर गुजारिश है या फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा बात। सो यही बात मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञान की भंडार आज खत्म हुआ। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ये वीडियो को स्प्रेड कीजिए और सबको दिखाइए कि ये सीन चल रहा है तो ये सीन ख़त्म हो जाना चाहिए। आप लोग अपने फेवरेट क्रिएटर सपोर्ट करो और जिताओ, और देखेंगे क्या होगा लास्ट में, तो यूट्यूब कम्युनिटी जीतने वाला है, ये बात तो है। सो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।